हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ केसरिया साबुदाने की खीर। एकदम रबड़ी जैसा दिखने वाला केसरिया साबुदाने की खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाना बहुत ही आसान होता है। बस कुछ टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपका भी साबुदाना दूध में जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं फटेगा और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं व्रत में, या फिर ऐसे भी आप डेजर्ट के रूप में आप इसे ले सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं केसरिया रबड़ी जैसा दिखने वाला ये साबुदाने की खीर। साबुदाना की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप साबुदाना। इसे क्या करना है, मुझे पानी डालकर अच्छी तरह 1-2 बार धो लेंगे। ये मैंने बारीक वाला साबुदाना लिया है, आप देख सकते हैं जो सबसे छोटे साइज का साबुदाना आता है वो मैंने लिया है। अब मैं इसे नहीं धोऊंगी और इसका सारा पानी निकाल लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, साबुदाना को मैंने धो के तैयार कर लिया। अभी मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, तो दूध डाल के इसे भिगा के रखें। दूध बहुत ज़्यादा ना डालें, इतना ही दूध डालें जिससे कि सारे साबुदाना दूध में आ जाए, और इसे भिगा के छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज क्या करें कि दूध को एकदम अच्छी तरह गर्म कर ले और उसके बाद इसे भिगाएं और कम से कम इसे 1/2 घंटे के लिए छोड़ दें। इससे तो दो फायदा होगा, एक तो जो है साबुदाना जैसे ही दूध में डालेंगे दूध हमारा फटेगा नहीं, और दूसरा हमारा जो साबुदाना बहुत ही बढ़िया टेस्ट का बनेगा, एकदम रबड़ी जैसा खाने में लगेगा। तो चलिए इसे 1 घंटे छोड़ देते हैं और फिर बनाते हैं साबुदाने की खीर। साबुदाना को हमने दूध में भिगो के छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में दूध गर्म किया है, दूध जो है हमारा बॉईल हो रहा है, इसे हमें इसी तरह 5 मिनट तक बॉईल करना है। अगर 5 मिनट तक मैं बॉईल करके बनाती हूँ तो जो हमारी साबुदानी की खीर है बिल्कुल एकदम रबड़ी जैसी बनेगी। तो जब दूध हमारा खोल जाए तो मैं इसे 5 मिनट तक बॉईल कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने लिया था दूध, मैंने 1/2 कप साबुदाना लिया था, तो दूध मैंने लिया था 800 ml के करीब, मतलब 1 लीटर दूध में मैंने 1 कटोरी दूध निकाल लिया है। और इसी तरह 5 मिनट तक इसे बॉईल करेंगे। दूध को बॉईल करते हुए 5 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो गई है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो मैंने ये दूध लिया है फुल फैट दूध है, तो आप भी फुल फैट दूध लें। और अभी मैं इसमें ये साबुदाना डाल दूंगी, और साबुदाना डालने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि साबुदाने में बॉयल आ गया है, तो यहाँ पे मैं चलाना बंद कर दूंगी और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि साबुदाना जो है हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और बॉईल आने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है मैंने। और मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि साबुदाना डालने के बाद हमारा दूध जो है फट जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि साबुदाना डालने के बाद हमें रेगुलर इसे चलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। अगर आप चलाना बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आपका दूध फट जाए। तो हमारे दूध में बॉईल आ चुका था, तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पे इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि हमारा जो साबुदाना ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। साबुदाना को पकाते हुए 5 मिनट हो गया है, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हुआ है, थोड़ा सा इसे और पकना है। तो यहाँ पे ये मैं डाल दूंगी, ये मेरे पास है 1/4 कप दूध था जिसमें मैंने 8 से 10 केसर के धागे भिगो के रखे थे, इसे मैं डाल दूंगी। मिला दें, इसे बहुत ही बढ़िया कलर निकल कर आता है। साथ ही में डाल देंगे 1 कुटी हुई इलायची,
फ्लेम को लो ही रखें और लो फ्लेम पे फिर से इसे 2 से 3 मिनट पकने दें। साबुदाने को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है, आपको मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसका मतलब हमारा साबुदाना बिल्कुल बनकर तैयार है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में डाल देंगे चीनी। चीनी मैंने जितना साबुदाना लिया था उतना ही मैं चीनी डालूंगी, बाकी आप कम मीठा ज़्यादा मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। इसे मिक्स कर देंगे। ये अभी आपको थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये थिक हो जाएगा। चीनी डालने के बाद वापस से 1 मिनट इसे बॉईल कर लेंगे। चीनी डालने के बाद 1 मिनट तक मैंने बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने बर्तन को दूसरे बर्नर पे उतार लिया है। बर्नर ऑफ है हमारा और यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन लिया है। मैं क्या कर रही हूँ कि ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके मैं डालूंगी। आप चाहें तो बिना रोस्ट किए डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से रोस्ट करके डालेंगे तो आपके साबुदाने की खीर के खीर का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ छोटे चम्मच से 2 चम्मच घी और बड़े चम्मच से 1 चम्मच। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया यहाँ पे बादाम, पिस्ता और काजू, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और कोई सा भी स्किप कर सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और लो फ्लेम पे मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी और इसे भून लेंगे। हल्का सुनहरा होने तक भूने। साबुदाने को बीच बीच में चलाते रहेंगे, इसके ऊपर से मलाई जमनी शुरू हो जाएगी। ये मैंने 1 चम्मच चिरौंजी लिया है, चिरौंजी को मैं भूनूंगी नहीं तो इसे मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो ये हमारा हल्का गुलाबी होना शुरू हो गया है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स जिसे मैंने रोस्ट करके रखा है इसे मैं डाल दूंगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं गार्निशिंग के लिए रख लूंगी। तो ये देखिए हमारा साबुदाने की खीर एकदम रबड़ी के जैसा बनके तैयार हो गया है। साबुदाने की खीर को गैस से उतारे हुए 1/2 घंटे हो गए थे, तो इसे मैंने एक सर्विंग बोल में निकाल लिया है। ये थोड़ा थिक हो गया, अभी भी थोड़ा गर्म है और जैसे ही ये थोड़ा और ठंडा होगा और भी थिक हो जाएगा। ये आपने देखा, इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके जो साबुदाने की खीर एकदम रबड़ी जैसी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे बताए तरीके से एक बार ये साबुदाना की खीर बनाकर जरूर देखिए, आप सभी को जरूर पसंद आएगा। इसके ऊपर से मैं थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो।